और बिहार में कब होगा शपथ ग्रहण समारोह, नीतीश कुमार कब एनडीए के नेता चुने जाएंगे और अब क्या है आरजेडी कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों की आगे की रणनीति, इन खबरों को देखने के लिए देखते हैं टॉप नाइन बिहार में नीतीश कुमार। बिहार में एनडीए की जीत के बाद नीतीश की ताजपोशी के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। 16 नवंबर को नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार की कमान संभालेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। नीतीश ने कहा कि जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। बिहार में जल्द ही एनडीए विधायकों की बैठक हो सकती है। इस बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर से पहले एनडीए नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लेगा। पटना में नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे जेडीयू के पार्टी दफ्तर में नव निर्वाचित विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बिहार सरकार और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। आज पटना में नए चुने गए आरजेडी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के नेता तेजस्वी यादव पार्टी के विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बिहार में विपक्ष मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि हम युवाओं के लिए नौकरी की मांग करते रहेंगे और सरकार को चैन से नहीं सोने देंगे। बिहार की सत्ता की चाबी पाने में चूक को लेकर महागठबंधन मंथन में जुट गया है। कांग्रेस खुद की समीक्षा करेगी, उसके बाद पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू राबड़ी आवास पर आज सभी घटक दलों की बैठक होगी। इसमें हार की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बिहार में चुनाव नतीजों के बाद AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में कांग्रेस अपनी नाकामी के लिए AIMIM को वोट कटवा बता रही है। ओवैसी ने कहा कि महागठबंधन एनडीए को हराने में नाकाम रहा। बिहार में हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी अपने जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बिहार में जीतनराम मांझी की पार्टी हम को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एनडीए के साथ 7 सीटों पर हम पार्टी ने चुनाव लड़ा था। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।